कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने कहा, प्रदेश में हमारी कोशिश है कि तीसरी लहर को आने ना दिया जाए। जिन संसाधनों की जरूरत है उसे पूरा किया जाएगा। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट है, आईसीयू बेड की व्यवस्था है। जनता से सावधानी के लिए तो कल मुख्यमंत्री जी स्वयं भी निकले थे, व्यवस्थाओं को देखने के लिए भी उन्होंने पहल की थी, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर हमारी कोशिश ये है इस बार कि हम तीसरी लहर को आने ही न दें। और इसके लिए जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर ली गई है, जो संसाधनों की जरूरत है वो संसाधन की उपलब्धता कर ली गई है, और जो भी आवश्यकता पड़ेगी वो पूर्ति कर ली जाएगी। लगभग प्रदेश में एक्सेस ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के प्लांट हमारे प्रारंभ हो गए, रेमडेसिविर की पर्याप्त व्यवस्था है, आईसीयू की, वेंटिलेटर की, बेडों की सभी व्यवस्था सरकार के पास है। पूरी मुस्तैदी से सरकार चिंता कर रही है, चिंता की कोई बात नहीं।